2022 जो कि बढ़ गया था उन स्टूडेंट के लिए जिनका लेट। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा है, वीडियो ओनली फॉर सेकंड सेमेस्टर बैकलॉग स्टूडेंट। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को 2022 में सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है, जो कि थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन दोस्तों उनको बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारे डाउट हैं कि सेकंड सेमेस्टर में जो एग्जामिनेशन में बैक लगा हुआ है उसका रिवेल्यूएशन का रिजल्ट कब तक आएगा और कैसा आएगा। मैथामेटिक्स 2 में 14 नंबर हैं, 16 नंबर हैं, 17 नंबर हैं, पास होंगे या फिर नहीं, कब तक आ सकता है रिजल्ट, कैसा आएगा, और इससे रिलेटेड कुछ और डाउट थे जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। दोस्तों, ये तो कुछ ही कमेंट पिक की हैं जो कि लेटेस्ट आई थी। तो दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स में आया है बैक, तो दोस्तों उसका ऐसा है मैथमेटिक्स का, अगर आपने क्वालिटी कंटेंट लिखा होगा या फिर पेजेस पर भी डिपेंड करता है, तो आपका दोस्तों ऑब्वियसली निकल जाएगा, यकीन मानिए, क्योंकि दोस्तों प्रोटेस्ट के बाद जो भी रिजल्ट आए हैं वो स्टूडेंट्स के फेवर में ही आए हैं, तो दोस्तों आपका भी आपके फेवर में आएगा। पर दोस्तों, मैथमेटिक्स 2 में कुछ कंडीशन है। मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग वगैरह रहता है, अगर आपने स्टेप वगैरह फॉर्मूले वगैरह सही लिखे होंगे तो 10% वाला जो रूल है उसके हिसाब से आपको पास कर देंगे। लेकिन अगर फिर भी एक कंडीशन बनती है कि आप पास नहीं होते हैं और आपको बिलीव है अपने आप पर कि मैंने लिखा था लेकिन मैं पास नहीं हुआ हूं, तो आपके पास एक और रास्ता है चैलेंज का, तो वो तो अपन रिवेल्यूशन का रिजल्ट आने के बाद देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया मैथमेटिक्स का बात। अगर देखें जो कि आपके थ्योरी सब्जेक्ट हैं, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, तो दोस्तों इसमें थ्योरी सब्जेक्ट में ऐसा है, अगर आपने क्वालिटी कंटेंट लिखा है, कुछ पेजेस पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि अगर आपने एक क्वेश्चन पर मिनिमम 2.5 से 3 पेज लिखा हुआ है और वो उससे रिलेटेड लिखा हुआ है, तो दोस्तों आपको रेवोल्यूशन में पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका कि कैसा आएगा रिजल्ट, अच्छा या फिर बेकार। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया ही है कि प्रोटेस्ट के बाद चेक हो रहा है, अच्छा चेक हो रहा है, स्टूडेंट के फेवर में आ रहा है रिजल्ट, तो आपका भी आएगा BE BTech B Pharmacy सेकेंड सेमेस्टर। अब अगर आइडिया लगाएं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, BTech सेकेंड सेमेस्टर रिवोल्यूशन लास्ट डेट था विथ लेट फीस 20/9/2022, जो कि बढ़ गया था उन स्टूडेंट के लिए जिनका लेट रिजल्ट आया था। तो दोस्तों, आपका 20 से आप 20 अक्टूबर हो गया एक मंथ और 45 डेज अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं अच्छे से, तो दोस्तों आपका जो है 45 डेज के अंडर नहीं आ रहा है इस बार 2022 में, तो आपका दोस्तों 15 से 20 नवंबर के समथिंग आ ही जाएगा। और इन्होंने आपका मेन रिजल्ट बहुत ही जल्दी जारी कर दिया था, इसी चक्कर में दोस्तों अभी तक फोर्थ सेमेस्टर BE BTech B Pharmacy रेवोल्यूशन रिजल्ट नहीं आया है, फोर्थ सेमेस्टर के बाद ही आपका आएगा, जो कि 22 या फिर 23 नवंबर के समथिंग आ जाएगा, इसके पहले ही आ जाएगा। तो दोस्तों, आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और समझ में आया होगा कि दोस्तों आपका जो है फेवर में आएगा आपका रिजल्ट। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।